पांच महाशीर्ष सेल्समैन द्वारा चावल की हेराफेरी। शासन द्वारा लॉकडाउन के कारण से अप्रैल माह से सितंबर माह तक जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, राशन कार्ड के माध्यम से चावल की कोटा को बढ़ाकर डबल कर दिया गया था, जिसमें सेल्समैन द्वारा डबल चावल की कोटा को कम कर दिया गया था। गरीब मजदूर यह मामला ग्राम पंचायत भूंडा जनपद पंचायत तखतपुर जिला बिलासपुर से है, जहां पर आज भी गुहार लगा रहे हैं शासन प्रशासन से, तो भी नहीं दे रहे हैं सेल्समैन चावल। वहीं पूरे गांव के लोगों को सेल्समैन द्वारा धमकी दी जाती है कि आप लोगों को 420 के केस में फंसा दूंगा, ताले को तोड़कर सोसाइटी की कहकर धमकी दी जाती है। वहीं सेल्समैन भाव सिंह खूटे से जानकारी लिए तो बताया कि मेरी से गलती हुई है, मैं गलती स्वीकार करता हूँ, मैं जो चावल को रोका है उसको मैं इस महीने की चावल के साथ में दे दूंगा, कहकर माफी मांगी है, अब से दोबारा गलती नहीं होगी, कहकर शिकायत का मौका नहीं दूंगा का ऐसा आश्वासन दिया गया। बिलासपुर से प्रीति सोनी की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। मेरा नाम कामता प्रसाद सभा है। कौन सा गांव सर? मैं ग्राम भूंडा में रहता हूँ। मैं तो हम लोग जो उचित मूल्य की दुकान है, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा जो चलाया जाता है, उसका विजेता बहुत छोटे है। तो मई अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त का जो केंद्र सरकार द्वारा जो अतिरिक्त 500 प्रति सदस्य चावल दिए जाने वाला था, उसको भव सिंह कोटे द्वारा नहीं दिया गया है, क्योंकि हम लोग पिछले माह हम लोग शिकायत किए हैं, SDM को दिए हैं, विभागीय अधिकारी कलेक्ट्रेट को दिए हैं, नायब तहसीलदार को दिए हैं, तो नायब तहसीलदार द्वारा शिल्पा भगत द्वारा और खाद निरीक्षक मनोज बघेल द्वारा जाँच हेतु आया था और जान में सही पाया गया था। सही पाए जाने के बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें उचित कार्रवाई हो और जो गलत किए हैं, चावल का हेरा फेरी किए हैं, तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो। तो इसीलिए हम लोग अभी कलेक्टेड आए हैं और हम लोग अभी जो अमरजीत भगत है खाद्य मंत्री, तो हम लोग फैक्स के माध्यम से उसके बाहर भी शिकायत करेंगे। पंचायत भुंडा सोसाइटी दुकान भवा कापा भाव सिंह खूटे चलाता है और चावल का हेरे फेरी है, अतिरिक्त चावल नहीं दिया गया है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक का, और हम मांगते हैं तो नहीं देता है, सूची भी मांगते हैं नहीं दे रहे हैं, जाओ जहाँ जाना है जाओ, हमको नहीं देंगे, कोई जरूरत नहीं है नहीं है। और मिट्टी तोल को 30 रुपये वाले को भी 50 में देता है और शक्कर को 17 रुपये वाले को 20 में बेचता है, हर माह ऐसे ही वो करते हैं। इसी कारण हम बिलासपुर आए हैं। आपके गांव की जनसंख्या कितनी है सर कार्ड की? 7 से 21 कार्ड जनसंख्या है। सेल्समैन गुंडा पंचायत के। अच्छा, आपके खिलाफ ग्रामीण यहाँ से शिकायत किए थे कि चावल का हेरा फेरी हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? चावल का शासन से मुझे 2-3 बार से रुक रुक कर चावल आया है, इसमें मैं बोल नहीं पाया कि चावल अधूरा दिया हूँ कम दिया हूँ ऐसे वाले बात, बाकी सभी का चावल कंप्लीट दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं। मैं जनता से माफ़ी चाहता हूँ कि जो भी चावल कमी बेसी होगा उसे मैं पूरा करूँगा, और किसी प्रकार का ऐसे हेरा फेरी नहीं हुआ है आज तक, और चावल कमी के आने के कारण ये सब हो गया है। मैं क्षमा चाहता हूँ जनता से, एक बार मुझे माफ़ करें, गलती मेरे से तो हुआ है ज़रूर, बाकी मैं बोल नहीं पाया इसलिए ये मेरा कसूर है। मैं सभी का चावल कंप्लीट दूंगा जो भी महीना का बचा है, यही मेरा कहना है। पूरे ग्राम भवा कापा सर, क्या समस्या है? हमारे सेल्समैन ने मतलब 5 माह का हेरा फेरी किया था, जिसमें हम 2 महीने के आवेदन लगाया था, तो उसमें का पैसा वापस किया है और चावल दिया गया है, और 3 महीने का हमारा फेरी बचा है, हेरा फेरी चावल का मामला, इसीलिए हम कलेक्ट्रेट में पहुंचे हुए हैं आवेदन देने के लिए, और फिर ही पुनः मतलब जांच किया जाए, ऐसे करके आए हैं कलेक्टर बिलासपुर में हम लोग, और आवेदन देने के लिए आए हैं। और इन लोग बोलते हैं समूह वाले के कुछ मतलब 8-9 लोग हैं कार्यकर्ता, उसको चोरी मामला में कुछ फंसाएंगे ऐसे करके बोलते हैं भाव सिंह कुत्ते, और उसके समूह का सदस्य है जो सभी लोग बोलते हैं कि कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं दौड़ धूप, उसको हम
चोरी नामा में फंसाएंगे, अंदर कराएंगे, 420 में ऐसे करके बोलते हैं इनका पूरा समूह। इसीलिए हम लोग फिर पूरा जांच करने के लिए अभी आवेदन लगा रहे हैं सभी जगह, SDM, कलेक्टर, खाद्य विभाग, तहसीलदार, सभी जगह हम लोग लगाने के लिए अभी आज फिर निकले हैं, बिलासपुर आए हैं अभी कलेक्ट्रेट में, और यहाँ लगा कर फिर उधर आगे लगाएंगे आवेदन, इसलिए हम बिलासपुर आए हैं। मिट्टी तेल को पकड़े हैं, मिट्टी तेल दो बार पूर्व मतलब पकड़ के थाना में अंदर भी कराए, पैसा देकर वहाँ से निलिया हो गए हैं इन लोग। तो सर उसका कुछ कॉपी वगैरह आवेदन है जो आप लोग दिए थे वहाँ लिखित रूप में थाने में? पावती बहुत दिन हो गया उसका नहीं मिला है, पावती रखे थे लेकिन वो 2 साल से ज्यादा हो गया है पावती नहीं, अभी जो लगाए हैं 7 जुलाई का उसका पावती अभी रखे हैं, और अभी नया लगाने के लिए मतलब हम तो सर कभी जानकारी लेने की कोशिश किए उनसे चावल की, क्या कहना था उनका? वो बोल रहा है कि आया नहीं है ऐसे बोलता है, मांगते हैं मांगने पर नहीं, तो सूची मांगते हैं देखने के लिए, तो सूची नहीं है, आप लाइन में चावल बेचते हैं तो सूची हमको नहीं दिखाते हैं।